नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से। कानून व्यवस्था बनाने सख्त एक्शन, रीवा कलेक्टर ने 14 अर्थन अपराधियों को किया जिला बदर, एक वर्ष तक रहना होगा सीमा से बाहर। सतना में एक और टाइगर का शिकार, मझगवा के जंगल में मिली वयस्क बाघ की सड़ी गली लाश, नाखून भी गायब, चितरा डीप में बाघ की मौत। अपनी जन्मभूमि पहुंचे सीएम शिवराज हुए भावुक, कहा मैं यहां वोट मांगने नहीं आया बल्कि अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है और मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पारा एशियन गेम्स 2023 में सीहोर के कपिल परमार ने जीता रजत पदक, अब दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बदलेगी बाबा महाकाल की दिनचर्या, रविवार को कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से बदलेगा आरती का समय। 5.25 करोड़ के जेवर बरामद, सतना में सरकारी नंबर प्लेट वाली कार में मिले, भोपाल से रीवा की तरफ जा रही थी। प्रियंका बोली एमपी बड़े बदलाव के लिए तैयार, दमोह में कहा बीजेपी 18 साल से सत्ता में, 3 साल में मात्र 21 रोजगार। संजय शुक्ला को राम और कैलाश विजयवर्गीय को रावण दिखाने वाले युवक पर आई मुसीबत, दर्ज हुआ केस। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को टक्कर देने वाले बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भी करोड़पति हैं, बंटी साहू के पास 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ग्वालियर में 45 लाख का गांजा पकड़ा, ट्रक में लेकर 450 किलो गांजा लेकर उड़ीसा से आए थे 4 गिरफ्तार। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।